ऐसे किसी को डर लगे ना लगे, उसको देख के जरूर डर लग जाएगा। लास्ट टाइम है जो खाना मुझे मिल रहा है। इतनी मेल भी है ना, इतनी मेल भी है लड़की जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सीधी खड़ी हो सी। अच्छा कोई नहीं, ऐसी खड़ी हो। ये ना बस वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ, ये बनियान पीछे है ना, पीछे देख लो, आगे का हिस्सा पीछे कर रखा है। और है ना चुटकी ऊपर करो, ये देखो और आगे किधर मतलब उल्टा, हमेशा ऐसे ही पहन के जाते हैं ये। कभी ब्लूमर उल्टा पहन लेगी, कभी बनियान उल्टा पहन लेगी, इसका काम यही है। बस ये याद के लिए मैं ब्लॉग में डाल दूंगा ये, कि इनको पता रहे कि हाँ ये पहले कैसी थी। क्योंकि ना अच्छा एक चीज़ और, ये सिर्फ ना ब्लॉग, ये जो इतना पार्ट रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसी सब गुन्नू के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, कि ये आगे जाके देख सके। क्यों, साबुन नहीं लगता शरीर में, भले आगे जाने वाले टाइम के अंदर है ना ये बहुत ज़्यादा फैशन वाली बन जाएगी। दिखाइए कि मेरे से ज़्यादा फैशन वाला कोई है नहीं, मेरे से ज़्यादा साफ कोई नहीं रहता, उस समय हो सके दिखाएगी। तो उस समय ना खुद का ब्लॉग देखेगी और खुद को देख के करेगी। इतनी मेल भी है ना, इतनी मेल भी है लड़की जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब देखो ये जैसे आप बनियान देख लो, बनियान तो खैर उल्टा है ही है इसके, मेरे से लड़ रही है कि भाई क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो साबुन नहीं लगाती शरीर पे, फेस पे साबुन नहीं लगाती है। सुबह बोल दिया कि भाई पापा को बुला दें, तो बस खाली साबुन कैसे लगाती है ना, जैसे मैं बताता हूँ ऐसे दिखाता, कपड़ा है ना कपड़ा देना, हिलेगा भी नहीं है, ऐसे ऐसे साबुन खुद की बॉडी पर लगाती है, जिसके कारण है ना काली हो रही है। मुझे लगता है बड़ी होते होते ना और काली हो जाएगी, बड़ी होते होते और काली पीली हो जाएगी। और ये बस इसके लिए ना, बड़ी होगी ना तब देखना इसका नाटक, बड़ी होने पर ना तो सफाई जैसी देवी बनने लगेगी, जैसे इससे ज़्यादा तो कोई ज़िंदगी में साफ है ही नहीं। तो इसका काम है प्लस। एक बम खराब, इधर तो मेरा पेट खराब, कुछ भी सही नहीं है, लड़की को चाय बना के आपका तो वैसे भी कल ऑपरेशन होने वाला है। मोटे का कल ऑपरेशन होने वाला है, मजा आएगा ना? हाँ सही बात है, रोज ऑपरेशन जाके कर रहा था, बड़ा मजा आता है मुझे। कुछ वाला खुलवा नहीं क्या था, मुझे रोज ऑपरेशन करा के पिछवाड़ा खुलाना मजा आता है। काट का इतना अच्छा मेरा प्यारा प्यारा बम था, ऐसे नजर लगाया मोटे ने, आपका बम कितना अच्छा लगता है, आपका बम कितना अच्छा लगता है, ऐसा नजर लगा कि अब वो कब कल ऐसे काट करके सब मलाई कोफ्ता निकाल देगा अंदर से बाहर। मैंने आपका बैग पैक नहीं किया अभी तक। दोस्तों भी निकला हुआ हूँ, कुछ मेडिकल इमरजेंसी है जिसका, दोस्तों चल दिए वैसे शायद टाइम से पहले आते हैं। एंट्री यहाँ होगी, वही होगा ना पर्ची कटेगी जैसे, ठीक है। तो आ गए हैं हॉस्पिटल के अंदर, नॉर्मली देखा जाए तो वैसे जैसे घबराहट होती है ना वैसे घबराहट हो रखी है मेरे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लोग पीछे आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका मैं राज और वो सिमरन तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशा उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और बहुत अच्छे से अपने और अपने पूरे परिवार का ध्यान रख पा रहे होंगे। दोस्तों कुछ मेरा ऑपरेशन है जिस कारण से मैं हॉस्पिटल आया हुआ हूँ, अच्छा तो नहीं लग रहा है पर क्या करें भाई, वो प्रॉब्लम ऐसी है जिसको है ना ख़त्म कराना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी ब्लॉग आएगा वो आपको कंटिन्यू आगे देखने को मिलेगा। एक्साइटिंग तो मैं नहीं बोलूँगा कि कुछ एक्साइटिंग है, क्योंकि किसी को मज़ा थोड़ी आता है कि कोई ऑपरेशन करवाएगा, तो थोड़ा टेंशन है, हेडेक है, दो एक दिन से मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही थी। तो ये है जयपुर का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है ये, जिसके अंदर होता है। नॉर्मली मैं सोचता था कि एलोपैथी यानी अंग्रेजी में दवाओं के अंदर ज़्यादा कुछ होता है, पर पता किया तो इसके अंदर मुझे ज़्यादा अच्छी चीज़ें बताई गई कि आयुर्वेद के अंदर अच्छा इलाज हो जाता है।
मुझे पता भी नहीं था कि मतलब एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और आयुर्वेद में इतनी सारी सुविधा और फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो ये ब्लॉग उन लोगों के भी काम में आएगा जो लोग आयुर्वेद के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और जैसे किसी को फिस्कुला वगैरह का या ऐसा कोई इलाज कराना है तो उन पर भी काम आएगा कि मैं बताऊँगा लास्ट तक में कि आयुर्वेद कितना अच्छा है और कितना अच्छा हमारे लिए काम करके जाता है। तो अंदर आ गए, परचेज से कटवा लिया अंदर बैठे और अभी कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये चीज़ें बोली गई है जो ये नहीं खानी है और ये चीज़ें जो इसको करनी है। अब हंसी की चीज़ क्या है वो देखना। ये दिख रहा है यहाँ पे उन्हें साइकिल चलाना है। अब मेरे दिमाग में ये सवाल है कि जो आदमी के ऐसे ऑपरेशन होंगे, ये वाले ऑपरेशन होंगे, वो बेचारा बंदा साइकिल कैसे चलाएगा। ये सोचने की चीज़ है सबसे तगड़ी। तो बस वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा खुद तो खुश करने की कोशिश मन को बना रहा है। बस कैसे भी खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद को आराम दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ भाई ठीक है, ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल वाला कार्यक्रम चल रहा है मेरा। कहते भी सोच रहा होगा हो जाए वो कट पट जो कैसे करें, जल्दी करें, जल्दी मुझे छोड़े, मैं जल्दी करवा हूँ। बस अब यही फील हो गया, अभी तक तो नर्वस नहीं होता, अभी तक तो समय पपीता लाल चुकंदर पपीता मीठा लाल बहुत महंगा मैं देखा हुआ ला मेरे बाबा फल। लास्ट टाइम है जो खाना मुझे मिल रहा है, लास्ट टाइम नहीं, उसके बाद तो नहीं मिलेगा मुझे खाने को, ये तो मुझे ही मालूम है। नहीं, दो तीन दिन बाद मिलेगा, पांच दिन बाद लास्ट टाइम जो होता है। इनका भी हुआ है ऑपरेशन, खैर ये काफ़ी टाइम से परेशान थे इनका, इनको देख के थोड़ा अच्छा भी लग रहा है बुरा भी लग रहा है कि बस कैसे भी हो ये तो ठीक हो जाए और दोबारा कंडीशन नहीं है ऐसी। अजमेर से है ना, अजमेर से ही बताओ। आज ये लास्ट है, ऐसी सब्जी लास्ट, ऐसा खाना लास्ट, फिर उसके बाद में सिर्फ दलिया मिलेगा खाने के लिए। ये तो चाहती थी ना और उन्होंने कर लिया है, अब आराम से दलिया खाने के लिए मिलेगा एनी टाइम अपने को, और वो खा करके अपन मौज करेंगे। मेरे से बहुत सारे लोग हैं, इन सब पे कुछ ना कुछ चीज़ को ऑपरेशन ही है, यहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है हमको। चलो डिनर कर लेता हूँ मैं आपको, डिनर तो क्या है, लंच है। वैसे सिलने वगैरह गए काफ़ी टाइम हो गया है, बस टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ कब मेरा ऑपरेशन हो जाएगा और कब मैं जल्दी से इंडिया पर चला जाऊँगा। अच्छा भी नहीं लग रहा है, बस ठीक है। जयपुर के 10 बजे तो होते हुए जा रहा हूँ रैपिड टेस्ट करवाना, क्योंकि डॉक्टर ने उसमें बोला था कि ज़रूरत नहीं है, बोल दिया कि ज़रूरत है, तो चल दिया हूँ फटाफट रैपिड टेस्ट कराता हूँ। रैपिड टेस्टिंग करा लिया, जा रहा हूँ अंदर, रिकॉर्डिंग नहीं थी, अंदर नहीं कर सकते थे रिकॉर्डिंग, तो अब यहाँ पे टेस्टिंग हो गई है, अब वापस से हॉस्पिटल के लिए। तो ऐसे किसी को डर लगे ना लगे, इसको देख के ज़रूर डर लग जाएगा, इतनी मेडिसिन दी है भाई साहब, इतनी मतलब अभी तक भले डर नहीं लग रहा था पर इतनी देख करके ना ज़रूर हालत ख़राब होगी। बाप रे, ये सब कुछ बॉडी के अंदर डाल देगा। ये जाँचों पर जाँच हो रही है, लगे हुए देखता हूँ। नाश्ता वगैरह तो मिल चुका था, आगे क्या प्रोसेस होगा अब आगे वे बेड पे पहुँचने में पता चलेगा। ये बेड मेरा, यहाँ पे मैं सुबह से मॉर्निंग से हूँ। रात का टाइम हो चुका है, कितना टाइम हुआ है, 7:51। मैं बाहर गया था हॉस्पिटल के, मतलब वो रैपिड टेस्ट वगैरह सब करवाने के लिए, मेडिकल मेडिसिन जो लेके आया दिखाया, इन्होंने मेरा खाना रखा था जो ये है और अब ये मिलेगा खाने के लिए। जो जितना मुझे मसाला प्यारा था ना उतना ही छूट गया है इसके अंदर, बिना नमक है, नमक वगैरह नहीं है ना, कुछ भी तो कुछ भी नहीं है। अब सोचो बिना नमक और बिना स्वाद के इस खाने को खाना है, और शायद हो सके तो 2-4 महीना या 1 साल तक मुझे ऐसा ही खाना खाना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट करता हूँ यार, अगर आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम है ना पेट से रिलेटेड, हेलो, तो उसको टाइम पे ठीक करा लो, तो बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। से भी ना टेस्ट कराते कराते मेरे को कितना दर्द हो रहा है बॉडी में वो मैं जानता हूँ, उस टाइम का ध्यान रखना। चलो इसको कम्प्लीट करता हूँ फिर आके।